सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। अपनी सरकार के 4 साल के कार्यकाल के पूरा होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के कटक में सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पीएम मोदी ने एक तरह से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो दूसरी ओर कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। मनमोहन सरकार में सोनिया गांधी के दखल पर इशारों में तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम जनपद से नहीं बल्कि जनमत से सरकार चलाते हैं। काले धन और करप्शन के खिलाफ अपनी सरकार की मुहिम को लेकर उन्होंने कहा कि हमने जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए 80,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। उन्होंने कहा कि हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। मैं 55-60-65 साल का हिसाब बता रहा हूं। 2014 तक देश में लगभग 6 करोड़ शौचालय बने थे, लेकिन बीते 4 साल में 7.5 करोड़ नए शौचालय बनाए गए हैं और अगले साल जब महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती का पर्व मनाएगा तब उन्हें संपूर्ण स्वच्छता का उपहार देना। गैस कनेक्शन का जो दायरा 2014 के पहले जो सिर्फ 55% था, आज वो बढ़कर के 80% से ज्यादा हो गया है। निश्चित तौर पर उसमें उज्ज्वला योजना की बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1 मई 2016 को शुरू होने के बाद से अब तक उज्ज्वला योजना के तहत 4 करोड़ महिलाओं को घरों में मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। देश में काला धन का कारोबार करने वाली संदिग्ध कंपनियों की संख्या भी कम हो गई। 2,26,000 संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। बीते 4 वर्षों से जो सेवा का सौभाग्य मिला है उसे नित्य, निरंतर, निस्वार्थ और निष्ठा भाव से नम्रता पूर्वक पूरा करने का हमने प्रयास किया है। सिद्धांतों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, रिश्ते नातों के लिए नहीं, देश और समाज के लिए खप रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन अवर वीडियो फॉर बेस्ट अपडेट्स।